साथियों, आप सभी जानते हैं कि जब कंटेंट और क्रिएटिविटी आपस में कोलैबोरेट करते हैं तो इससे एंगेजमेंट बढ़ती है। जब कंटेंट डिजिटल से कोलैब करता है तो ट्रांसफॉर्मेशन आता है। जब कंटेंट पर्पज से कोलैब करता है तो इससे इंपैक्ट दिखता है। और आज जब आप लोग यहां आए हैं तो मुझे भी बहुत सारे विषयों पर आप लोगों से कॉलैब रिक्वेस्ट करनी है। साथियों, एक जमाने में हम छोटी से छोटी दुकानों पर लिखा देखते थे, यहां बहुत टेस्टी फूड मिलता है, ऐसा देखते थे ना। कोई भी कहे वहां क्यों खाना, तो बोले टेस्टी फूड है। लेकिन आज हम देखते हैं कि दुकान वाले लिखते हैं कि यहां हेल्दी फूड मिलता है। अब टेस्टी नहीं लिखता है, हेल्दी फूड मिलता है। क्यों बदलाव आया? तो ये एक बदलाव समाज में भी आ रहा है। इसलिए कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो लोगों में कृतज्ञ भाव जगाए। देश के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उनके लोगों को प्रेरित करें, और आपके कंटेंट का यही डायरेक्ट मैसेज हो, ये जरूरी नहीं है। आप कंटेंट क्रिएट करते हुए इसका ध्यान रखेंगे तो इनडायरेक्टली भी उसमें जरूर झलकेगा। आपको ध्यान होगा, लाल किले से मैंने बेटियों के अपमान का विषय उठाया था। एक बार मैंने ये भी कहा था कि आप बेटी शाम को घर आती है तो पूछते हैं, क्यों देर से आई, कहाँ गई थी, क्यों जल्दी घर नहीं आई। मैंने लाल किले से पूछा था कि मुझे कोई तो माँ बाप बताओ जो अपने बेटे को पूछते हो कि तुम देर से क्यों आ रहे हो, कहाँ गए थे। बेटी को सब पूछते हैं, बेटे को कोई नहीं पूछता है। मैं कंटेंट क्रिएटर से कहता हूं, इस बात को आगे कैसे बढ़ाएं, एक माहौल कैसे बनाएं, समान जिम्मेवारी होनी चाहिए। बेटी देर से आए तो भूकंप हो जाए, और बेटा देर से आए, बेटा खाना तो खाया था ना, क्यों भाई। कहने का मेरा मतलब है साथियों कि हमने समाज के साथ जुड़ना है, और इस भावना को घर घर पहुंचाने में आप जैसे साथी बहुत अच्छे ढंग से इसको कर सकते हैं। देखिए, आज महिला दिवस पर आप इस संकल्प को फिर दोहरा सकते हैं। हमारे देश की नारी शक्ति का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, वो भी आपके कंटेंट का हिस्सा, प्रमुख हिस्सा हो सकता है। मैं जरूर दावे से कहता हूं जी, आप में से कोई थोड़ा क्रिएटिव माइंड के साथ सुबह से रात तक माँ क्या करती है उसी को थोड़ा रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके रखें, देखने वाले उस परिवार के बच्चे चौंक जाएंगे, अच्छा माँ इतना काम करती है। एक साथ करती है, यानी आपके पास एक ताकत है, आप इसको ऐसे प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे गांव की जो जिंदगी है, आपने देखा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी में गांव की महिलाएं बहुत बड़ी मात्रा में जुड़ी हुई थी। ये वेस्टर्न लोगों की जो सोच है ना कि भारत में वर्किंग वुमेन नहीं है, अरे भाई वर्किंग वुमेन छोड़, भारत में महिला है तभी तो संसार चल पा रहा है जी। गांव में आप देखेंगे इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी माताएं बहनें करती है। अगर ट्राइबल बेल्ट में जाएंगे, पहाड़ों में जाएंगे, तो आपको मैक्सिमम इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी माताएं बहनें करती हैं जी। और इसलिए हमारी क्रिएटिविटी के द्वारा हम ये जो गलत परसेप्शन बने हैं ना, बड़े आसानी से बदल सकते हैं, हकीकतों के आधार पर बदल सकते हैं। और मैं मानता हूं हम इसको करना चाहिए।
अगर एक दिन की जीवन की सिर्फ साइकिल को हम दिखाएं तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ पशुपालक हो, किसान महिला हो, मजदूरी करने वाली महिला हो, कैसे काम करती, कितनी मेहनत करती है।